मैं डॉक्टर के कौशिक हूँ, सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जरी करता हूँ, लेजर सर्जरी भी करता हूँ। और पॉपुलर हॉस्पिटल अब ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हो गया, हमारी शाखाएँ वाराणसी में दो हॉस्पिटल और साथ साथ गोपीगंज और मिर्ज़ापुर में हॉस्पिटल है। आज हम जो मिर्ज़ापुर हॉस्पिटल है उसमें एक स्पेशल केस कर रहे हैं, पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी करने से पता चला कि उसमें हार्ट में ब्लॉक है, और ये आयुष्मान के तहत ये पेशेंट हमारे पास आए थे, भारत सरकार की जो आयुष्मान योजना है, और हम उससे आयुष्मान से अनुबंधित हैं और साथ में कार्डियक फैसिलिटी की वजह से कार्डियक इलाज करने के लिए भी अनुबंधित हैं। तो इस पेशेंट में जब एंजियोग्राफी हुआ था काफ़ी कॉम्प्लेक्स, ऐसे में सिंपल एंजियोप्लास्टी नहीं की जा सकती थी, फिर हम लोगों ने इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड मशीन जो हमारे यूनिट में है उसके द्वारा करके और एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं। ये पेशेंट वैसे अगर ये टेक्निक हम नहीं यूज करते तो पेशेंट का पूर्ण निदान नहीं हो पाता, यही आज उपलक्ष्य है हमारे साथ डॉक्टर। देखिए यहाँ पर तो आयुष्मान से संबंधित जितने भी प्रकार की बीमारियाँ हैं, चाहे स्पेशलिटी को है सुपर स्पेशलिटी, जैसे कैंसर रोग का है, ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड जितना है, सांस से रिलेटेड है, गुर्दा से, और जो यूरोलॉजी का भी जैसे स्टोन वगैरह होता है, इससे भी संबंधित बीमारियां, और साथ में जो जनरल पांच बीमारियां होती हैं महिलाओं के लिए, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी, ये सारी चीज़ हमारे साथ अनुबंधित है और सबका हम इलाज कर रहे हैं। ये खास बात यहाँ पर यही है। ये बताएं कि ये क्या पहली बार आयुष्मान के द्वारा ये आप लोग करने जा रहे हैं? हाँ, ये पहली बार यहाँ पर हो रहा है। ऐसे एंजियोप्लास्टी तो हम रेगुलर कर रहे थे आयुष्मान के तहत, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी था, इसलिए हम लोग आईवीएस टेक्नोलॉजी का यूज करके इस प्रक्रिया को कर रहे हैं, इस इलाज को कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मकसद ये था कि हम लोग ने आज पूर्वांचल में पहली बार, जो कि आज अभी तक मेट्रो सिटीज में ही उपलब्ध थी, हम लोग ने आईवस गाइडेड एंजियोप्लास्टी एक मरीज की सफलतापूर्वक की। आईवस जो है एक इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड मशीन है, जिसमें कि हम लोग अल्ट्रासाउंड कैथेटर्स जो हार्ट की आर्टरीज होती है उसके अंदर डालते हैं, और उसके द्वारा जो ब्लॉकेज होता है, किस प्रकार का ब्लॉकेज है, कितना लंबा ब्लॉकेज है, उसको देखते हैं, और उसके हिसाब से जो रिजल्ट हमें मिलते हैं, कितना लंबा स्टेंट, कितने साइज का स्टेंट, डायमीटर, ये सब हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो अल्टीमेटली जब स्टेंट लगाने के बाद पेशेंट्स को जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, जो मॉर्टेलिटी बेनिफिट मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है कंपेयर टू जो केवल एंजियोग्राफिक गाइडेड एंजियोप्लास्टी हम लोग करते थे पहले। सर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक ये टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे है? अभी तक तो केवल ये मेट्रो सिटीज़ में ही है, पूर्वांचल में तो कहीं पे भी नहीं है। पूर्वांचल में पॉपुलर ही एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे ये आईवीएस गाइडेड एंजियोप्लास्टी की जा रही है। कितना खर्चा लगता है इसका? अगर चूँकि आयुष्मान कार्ड के पेशेंट्स और जो CCHS और CGHS के पेशेंट हैं, उसमें ये सुविधा पहले से गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखी है, तो उनमें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। बाकी जो और पेशेंट्स होते हैं उनमें कंपनी से बात करके हम लोग ने बात किया हुआ है, तो उन्होंने 20,000 से 25,000 के आसपास पर पेशेंट का। किस हद तक सफल है ये? काफ़ी हद तक सफल है, देश विदेश में इसके कई स्टडीज़ हो चुकी हैं, उसमें देखा गया कि आईवीएस गाइडेड एंजियोप्लास्टी कंपेयर टू नॉर्मल एंजियोग्राफी गाइडेड एंजियोप्लास्टी के बेहतर नतीजे हैं। आज मिर्ज़ापुर पॉपुलर हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है? बिल्कुल, आज ही हम लोग ने इतने सफलतापूर्वक आईवीएस गाइडेड थ्रू एंजियोप्लास्टी किया हुआ है। थैंक्स।